नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको चैनल टेक्निक्लास में दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपके पास आईफोन फोर्टीन है और आप अपने आईफोन 14 में से अपनी एप्पल आई को रिमूव करना चाहते हैं या फिर हटाना चाहते हैं अपने आई 14 या 14 प्रो या 14 प्रो मैक्स में से तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपनी सेटिंग्स में आ जाना है सेटिंग्स में आने के बाद आपको पता है कि सबसे पहले आपको अपने एप्पल आई में ही जाना होता है तो अपने एप्पल आई में जब सबसे पहले ऐसा आएंगे तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है फिर आपको यहाँ पे साइन आउट का सबसे नीचे ऑप्शन दिखेगा तो आपको सिंपली साइन आउट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है दोस्तों उसके बाद मैं आपको बता दूँ सबसे पहले आप हमारे चैनल में अगर पहली बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपके पास आईफोन है तो आप आईफोन है तो आईफोन इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि आईफोन से रिलेटेड सारी वीडियो आपको मिलती रहे तो दोस्तों इन आउट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना होता है अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पर भी क्लिक करके अपना पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं नहीं तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड के लिए जैसे कि सिंपली बहुत ही सिंपल आसान है यहाँ पे बिना ओ टी के आपको फॉरगेट पासवर्ड करना है आपको अपना पासवर्ड डालना है फिर आपको उसके बाद न्यू पासवर्ड बना लेना है आठ अंकों का तो उसके बाद आपको अपने सिंपली साइन आउट पे क्लिक करना है और आपको अपना पासवर्ड इंटर करना है पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको सिंपली ऊपर टर्न ऑफ का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा तो आप अगर आप पासवर्ड भूल गए तो पासवर्ड को साइन फॉरगेड कर लीजिएगा उसके बाद आपको सारी चीज़ों का मतलब हमें एक बार बैकअप ले लेना है क्योंकि कभी भी हम दूसरी बार अगर एप्पल आई को लॉग करेंगे तो ये बैकअप होना बहुत ही ज़रूरी है तो आपको बैकअप ले लेना है फिर उसके बाद ऊपर पे क्लिक कर देना है तो ये थोड़ा टाइम ले लेगा क्योंकि आई क्लाउड डेटा कॉपी कर रहा है तो हमें इसे ओके कर देना है ये दो तीन बार ऐसे प्रॉब्लम्स देगा तो एक बार आप इसे री कर दीजिएगा इसके बाद आप इस आईफोन को किसी को भी सेल कर सकते हैं या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटली जो भी है मेरा एप्पल आई डी यहाँ पर रिमूव हो चुका है तो इस तरीके से आप अपने आई फोन फोर्टीन में एप्पल आई डी को बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं इसके बाद आप उसे फॉर्मेट करके किसी को भी सेल कर सकते हैं दोस्तों आप हमारे चैनल अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कुछ भी अगर आपको दिक्कत होती है तो नीचे कमेंट करिए नहीं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपके पास आईफ़ोन है तो बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि आईफोन से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद